हेलो गाइस, मेरा नाम है पप्पा। और गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि यदि आपके घर में रिमूवेबल बैटरी है और गाइस वो फुल गया है, तो आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो है 90% वर्केबल है, और 10% जो है हो सकता है कि आपका बैटरी बहुत ज़्यादा डेड हो गया है, जिस वजह से ये अब यूज़ नहीं होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप लोग जो है उस फुले हुए बैटरी का दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बैटरी फुलता क्यों है। तो गाइस, यदि आप लोग चार्जिंग में लगाकर मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम बैटरी पर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो लिक्विड होता है लिथियम आयन के अंदर, तो गाइस वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीटेड के कारण उसमें बुलबुले तैयार हो जाते हैं, और जिस वजह से ये फुलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए, इसको आप लोग ठीक कर पाएंगे। और गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 90% वर्केबल है, और 10% हो सकता है कि आपका ठीक ना हो। तो गाइस, इसको डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी बैटरी पर नहीं भी हो सकता है। तो गाइस, आप लोग बड़ी ही ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने एक पिंच टाइप का होल कर लिया है, जो कि मैंने एक सुई को चुभो के इसको कर दिया है। तो गाइस, आप लोग इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेयर तक ना जा पाए, बस एक थोड़ा सा पिंच टाइप से होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है अंदर में शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो जाए और ख़राब भी हो जाए। तो गाइस, इस पिंच टाइप को आप लोगों को करने के बाद जो है, इस बैटरी को जो अंदर जो हवा भरी है उसको पूरी तरह से, गैस जो बना है उसको पूरी तरह से निकाल लेना है, और फिर किसी ग्लू गन के यूज़ करके या फिर फेविक्यू का यूज़ करके उसको ढक देना है। तो गाइस, अब ढकने के बाद आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्या ये बैटरी जो मोबाइल के अंदर जो है अच्छी तरह से बैठ पाता है या नहीं, देख लेना है, नहीं तो फिर आप लोगों का जो है अंदर में हवा रह सकता है। आप लोगों को देखना कि हाँ, ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया है कि नहीं। तो गाइस, अब देख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो है वो बैटरी काफ़ी तरह से एडजस्ट हो चुका है। अब आपको इसको एक दो घंटे के लिए, जितना देर तक ये फुल चार्ज होता है, उसके लिए चार्जिंग में आप लोगों को लगा कर रख देना है, फिर ये आपके यूज़ के लिए बन जाएगा।